अजीज दोस्त, आप गौर करें बात पर तो कैसी खिली बात हो। इतनी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखे, ये बुखारी है। हुजूर फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया? मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज पहनी, इतनी लंबी कमीज पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप करके, या रसूल अल्लाह करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताए ना। तो रसूल करीम ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन, उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी, दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, उन मैं कितों लब्बा उमर बहादुर जड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है, सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। एन उस वक्त भी, एन उस वक्त भी फारूक आदम दीन की लै सजना सा तोड़ ही नहीं पाई, असी जान भी दित्ती ते राह